बोल दो एक बार। स्टेट बैंक का काम था उसके बाद। बड़े बूढ़े भी यही बोलते हैं, बड़े स्वास्थ्य का सब कुछ ठीक है। स्क्रैचेस आ गए फोन में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो ये हमारा थर्ड व्लॉग, और थर्ड व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन बहुत बढ़िया होने वाला है। तो कुछ करते हैं इसमें, कुछ यूनिक चीज़ें करेंगे जिससे आपको बहुत इंटरटेनमेंट होने वाला है। अभी हो रहे हैं 6 AM, और अभी मैं जस्ट कार्डियो करने आ रहा हूँ कि आज मेरा वर्कआउट सेशन शाम को है, तो शाम को करूँगा। तो अभी सुबह सुबह कार्डियो करने आ रहा हूँ, तो लेट्स सी कैसे जाता हमारा पूरा डे। तो आज आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखाएंगे, नई नई चीज़ें कुछ करके दिखाएंगे जब आपको मज़ा आएगा बहुत। और वीडियो बने रहना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस करके रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलेगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट डाल देता हूँ मैं। और आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सोई सोई सी लगी, भारी बारिश लग रही है, कि गाइस अभी थोड़ी देर पहले जस्ट उठाई हूँ, उठते ही पानी पिया और निकल गया कार्डियो करने के लिए। तो जज मत करना है कि भाई सो के व्लॉग बना रहे, ये कर रहा हो कर रहा है, हो जाते कभी कभी, किससे गलती नहीं बोल पाता, ठीक है। तो एंजॉय करो, आपको दिखा दो कुछ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स, तो स्टे ट्यून फॉर इट। ओके, जहाँ पे भैंसों को गायों को नहलाते हैं, इसको कहते हैं झोड़। तो यहाँ पे पहुँचा जस्ट मैं ऐसी सिनेमैटिक्स वगैरह लेता हूँ, तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ, आपको भी कुछ नॉलेज हो जाए कि इनको क्या बोला जाता है। यहाँ पे भैंसों को पानी पिलाया जाता है या तो नहलाया जाता है, तो इसको झोड़ बोलते हैं जाटों की लैंग्वेज में। तो लेट्स सी, चलो आगे और आपको सिनेमैटिक्स दिखाने वाला हूँ मैं। चलो चलो आगे चलो लगा गाइस मेरा मजाक सिनेमैटिक्स में। तो कैसा लगा आपको सिनेमैटिक्स मेरे, बताओ ज़रूर, कमेंट करना। बहुत मेहनत लगी है, स्क्रैचेस आ गए फ़ोन में ऐसे सिनेमैटिक्स लेते लेते। तो ज़रूर बताओ कि आपको सिनेमैटिक्स कैसे लगे कमेंट में। थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो और दिखाता हूँ, थोड़ी देर योगा वोगा करेंगे, थोड़े मेडिटेशन करेंगे, तो उसके हाइपर लैप्स ले दो, उसके टाइम लैप्स लेता, सॉरी, तो इसके बाद दिखा दे, ठीक है, बाय बाय। स्वास्थ्य नहीं तो सब कुछ गया। सही बात। ये पहला उत्तम ज्ञान है। कहते हैं कौन सा फॉर्मूला है, मतलब स्वास्थ्य सही तो सब सही। नहीं,
अभी है ये। कौन सा? स्वास्थ्य खलु नहीं, स्वास्थ्य माध्यम सम सब धर्म खलु साधनम। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, क्या स्वास्थ्य तो सारे धर्म इसके अंदर आ जाते हैं। सारी सारी कोशिश करता है। मेडिकल में लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, संस्कृत में मेडिकल में भी है। अच्छा, स्वास्थ्य सबसे पहले आदमी का स्वास्थ्य सही होना चाहिए। सही बात। बस स्वास्थ्य सही रहेगा, दिमाग सही, आँख सही, पेट सही, खुराक सब, स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो सब कुछ। तो भाई देख लो, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हेल्थ का अपना ध्यान रखा करो, हेल्थ बहुत मेन है आपकी। तो हेल्थ ही है जो है, तो आपकी जो है एक हेल्थ है जो आपको अच्छा रखती है, अच्छा दिखाती है, बाहर से भी अंदर से भी। तो यही है, बड़े बूढ़े भी यही बोलते हैं। बड़े बूढ़ों को बस देसी देसी सवाल देसी में बोलते हैं कि भाई ऐसे, और हम लोग थोड़ा इंग्लिश में बोल देते हैं, बस यही है, और बाकी सारा सेम है। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। बस यही था आज का, और उसके बाद देखते घर जाते। और स्वास्थ्य माध्यम सब हेलो धर्म साधन है, ये है स्वास्थ्य माध्यम है ना। स्वास्थ्य के द्वारा ये सारी चीजें कट ऑफ करता है आदमी। सही बात। All right, तो अभी आ रखा था मैं बैंक में, कुछ काम तो मुझे और मेरा सामान। शिट, जिसके आप देख सकते हो ICICI बैंक में आ रखा था, कुछ काम था, उसके बाद आधार कार्ड का कुछ काम था, तो आधार कार्ड के काम से आ रखा था। तो लेट्स सी, तो मैं आ रखा था आधार कार्ड के काम से, तो मेरे को काफ़ी आ रखे थे, तो आधार कार्ड के काम से आ गया। तो अभी बस जा रहे हैं, धूप हो रही है, बहुत हाल खराब हो गया। तो अभी आ रखा था ना साकेत, और जस्ट कोल्ड कॉफी पीने आ रखा था पंडित जी का। क्या हाल पंडित जी? कोल्ड कॉफी बना लो, एक ही दो? एक एक भाई, बढ़िया यहाँ की बढ़िया कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, एक नंबर। तो आ जाना साकेत PVR में, गर्मी हो रही, मैंने कहा भाई कोल्ड कॉफ़ी पीनी ज़रूरी है, कोल्ड कॉफ़ी बना रहे। और चीनी कम डालना। अच्छे बनाते हैं मेरे को पता ही है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ भाई। यहाँ पे आना, बहुत बढ़िया कॉफी बनाते हैं और मजा आ जाएगा आपको पी के। हाय बोल दो एक बार। हाय। तो यहाँ पे आना, बहुत बढ़िया कॉफी मिलेगी, कोल्ड कॉफी, और बहुत बढ़िया कॉफी बनाते हैं। तो ठीक है, चलो था मैं अभी, और ब्रांड को कॉल आया था अभी, ब्रांड से कोलैबोरेशन की, तो उसका उनका कॉल आया था, और ये वो बोलते हैं कि सर आपकी डेडलाइन है कल, तो आपको शूट करना पड़ेगा जो उनका मटीरियल है। तो आपको मैं दिखा तो नहीं सकता क्या क्या है उनका, बट डेडलाइन दे रही है कल, और मैं जस्ट उठा और जल्दी जल्दी से खटपड़ा से अब काम में लग चुका हूँ, और जैसे अभी शूट के लिए रेडी हुए हूँ। देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। मेरे को भाई कहता है कि एक कॉन्टेंट क्रिएटर जो होता है, जितना हार्डवर्क करते हैं, इतना वो करता है, बहुत सैल्यूट है उनके लिए, हैट्स ऑफ है कि इतना काम करते हैं, रेगुलर कंटेंट डालते हैं, जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कितने हर दिन के डेली पोस्ट होते हैं उनकी, डेली कंटेंट डालते रहते हैं। तो सैल्यूट है गाइस, अगर आप देख रहे हो ब्लॉग्स, कोई मामूली बात नहीं है, कोई मजाक नहीं है, यही करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं, हवा टाइट हो जाती है करते करते। तो सैल्यूट है गाइस, अगर आप देख रहे हो, कोई भी ब्लॉगर, कोई भी कंटेंट क्रिएटर देख रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, एंड लेट्स सी क्या करते हैं हम अभी हमारा कुछ काम क्या तो नहीं है, अभी बस मेरे को शूट करनी है उनके लिए वीडियो। शूट के लिए रेडी हो चुका हूँ मैं, जैसे कि आप देख सकते हो, और हमारा सेटअप भी रेडी हो चुका है, सॉफ्ट बॉक्स, कैमरा, तो हमारा हर चीज़ रेडी हो चुकी है, अब हम शूट करने वाले हैं। तो यही था मेरा जो लुक था, और कैसा लग रहा मेरा लुक, हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे हैं। तो आपके लिए एक हेयर स्टाइल की वीडियो बनाने वाला हूँ मैं,
जिसमें मैंने अभी ये हेयर स्टाइल जो सेट करे है वो बिना हेयर स्प्रे, बिना वैक्स और बिना हेयर ड्रायर के सेट करे है। तो आप बताना अगर आपको चाहिए ऐसी वीडियो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको ऐसी वीडियो बना दूंगा कि किस टाइप से आप बिना हेयर स्प्रे, हेयर वैक्स, हेयर वैक्स डिपेंड करता है हेयर टाइप पे कि आप किस टाइप के बाल है। लेकिन अगर आपके हार्ड बाल है, जैसे कि मेरे काफ़ी थिक बाल है, तो अगर मेरे थिक बाल है तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती वैक्स लगाने की, मेरे अपना आप ही वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। बट अगर आपको वॉल्यूम क्रिएट करें तो आपको वैक्स लगाने पड़ेंगे। बट अगर आपको ये सब चीज़ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। तो यही था आज का वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर, और कमेंट करना कि आपको और ऐसी वीडियोज़ चाहिए, और मैं अपना BTS डालूँ कि कैसे मैं शूट करता हूँ, किस तरीके से शूट करता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ भी चीज़ें, आप कमेंट कर सकते हो, हर चीज़ मैं आपको आंसर तो ज़रूर दूंगा। और आप क्वेश्चन डालो, आप कुछ भी कमेंट करो, मैं रिप्लाई दूंगा। और शायद से कि 2 या 3 ब्लॉग के बाद मैं जो अच्छे बेस्ट कमेंट्स होंगे उनको मैं अपने ब्लॉग्स में भी लूँगा। तो अगर आप कमेंट करोगे तो आपको शाउट आउट मिलने वाला है। तो आप मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आपको आपका नाम लूँगा, आपसे बात करूँगा। तो यही था आज का वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ, भी ध्यान रखना अपना, अपने बड़ों का भी ध्यान रखना। और करते वीडियो को एंड, चलो बाय।